पहले तो सर पैसे वाला का राज रहा कमेटी में, आपने पता है जो भी बाहुबली होता था पैसे चलते थे, ठीक है, आपको पता है यहाँ किस प्रकार के लोग हैं, घमंडी आदमी भी हैं जो पार्टी में रहकर पार्टी की बगावत करते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, आपको पता है, ठीक है, हमने पार्टी की सेवा करनी है। नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। मैं हूं अनिल खत्री, इस समय गोहाना में हम मौजूद हैं और जैसा कि आप सभी को पता है कि नगर परिषद के चुनाव के लिए सभी पार्टियों की तरफ से जो टिकट के दावेदार हैं अपनी मजबूत दावेदारी ठोक रहे हैं टिकट के लिए। अब ये तो समय ही बताएगा कि किस उम्मीदवार को पार्टी चुनाव मैदान में उतारती है, लेकिन टिकट के लिए जिस तरह से पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार मैदान में जो अपनी ताल ठोक रहे हैं उन्हीं में से आज एक हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से मोनू पांचाल जी, जो पिछले लंबे समय से यहाँ अपनी टिकट को लेकर मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और पिछले लंबे समय से अगर हम बात करें तो गोहाना में बीजेपी से जुड़कर लोगों से संपर्क साधने में लगे हुए थे, तो इन्हीं से हम आज एक राजनीतिक चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। नमस्कार जी, नमस्कार आप सबको, मेरा दिल की गहराइयों से नमस्कार। मोनू जी, ये बताइए कि कैसे लगता है कि आपको जो है यहाँ से पार्टी चेयरमैनी के लिए उम्मीदवार उतार सकती है? अधिकार है जी हमारा, हमारा SC/BC समाज की 33,000 पर्ची है, 46,000 टोटल है, इसलिए हमारा हक है चुनाव लड़ने का, चुनाव लड़ेंगे, अगर पार्टी टिकट देगी आशीर्वाद देगी तो चुनाव लड़ेंगे। और भी बहुत सारे दावेदार हैं टिकट के लिए बीजेपी में, गुटबाजी भी काफ़ी दिखाई दे रही है और पीछे भी जो शहर की बात करें तो बीजेपी की बहुत कम वोट आई थी, इस बार कैसे लगता है कि अगर यहाँ से बीजेपी जीत सकती है? आप सबको पता है यहाँ किस प्रकार के लोग हैं, घमंडी आदमी भी हैं जो पार्टी में रहकर पार्टी की बगावत करते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, आपको पता है, ठीक है, हमने पार्टी की सेवा करनी है। जिस तरह से 8% का जो कोटा दिया गया था वो भी अब कानूनी अड़चन उसमें आ गई है, तो अब क्या लगता है सरकार की बात करें तो BC जो समाज के लोग वो तो वैसे ही सरकार से नाराज चल रहे हैं? ऐसी कोई विशेष बात ऐसी तो है नहीं, ठीक है, जैसे आदेश पार्टी के होंगे, ठीक है, पार्टी का विश्वास है होगा हमारे पर तो चुनाव हम जरूर लड़ेंगे। अच्छा बताइए किस तरह के काम जो है पिछले 5 साल में हो पाए हैं? 5 साल में हमारी नगर परिषद की टीम बहुत अच्छी थी जी, 23 के 23 पार्षद थे जो सारे अच्छे पार्षद बने थे, जो भी काम शहर में होया सबका साथ, सभी पार्षदों ने साथ दिया, जब जाके एक शहर में काम हो पाए, ठीक है। अगर इस बार मौका मिलता है, ये BC के उसमें आ जाती है गोहाना की सीट, और आपको मौका भी मिल जाता है चुनाव लड़ने का, तो क्या कुछ प्लान है गोहाना के लिए? अब की बार तो पहले तो अधिकार पार्षदों का या चेयरमैन का नगर परिषद पर अधिकार था, अब तो जनता का सीधा अधिकार हो जाएगा, जो जनता चाहोगी वही काम होंगे, इसमें कोई पहले जो मेजोरिटी बनती थी विपक्ष के भी होते थे, ठीक है, इतना विपक्ष तो चला नहीं जी 5 साल, काम तो हुए हैं, अब की बार तो जनता का सीधा रोल रहेगा नगर परिषद में, जो भी जनता चाहेगी वही काम होगा। तो सीधे चुनाव और इसलिए मन हुआ चेयरमैन का या वैसे भी मन था? ना सीधे चुनाव हुए जब मन था क्यों वैसे में क्या था, जो चर्चा चलती है शहर में भाई पार्षदों की खरीद फिरौत हो जाती थी, क्या इस तरह की चर्चाएं जो चलती हैं क्या कहोगे? पहले तो सर पैसे वाला का राज रहा कमेटी में, आपने पता है, जो भी बाहुबली होता था पैसे चलते थे, ठीक है। इस तरह से हम बात करें अगर आपको टिकट मिल जाती है यहाँ से तो कैसे लगता है कि कैसे पार्टी की जीत हो जाएगी, किस तरह का आशीर्वाद आपको मिलेगा? अच्छा जी, जो SC/BC वोट है लगभग 33,000 के आसपास वोट है, बाकी जर्नल में भी हमारा इतना प्यार है, कोई दिक्कत नहीं आनी है, हमने जो पार्टी आशीर्वाद देगी तो चुनाव 100% हम जीतेंगे, बढ़िया वोटों से जीतेंगे, एक तो मेजोरिटी अच्छी है हमारी, 33,000 वोट तो हमारी खुद की होगी, फिर जो जनरल वोटर हैं उनमें भी प्यार हमारा बहुत है। कब से सक्रिय हैं आप राजनीति में? पिछले 5 साल मेरी माता जी रही है जी, वाइस चेयरमैन नगर परिषद रही है, हमने जो भी काम लोगों ने बताया है उसको पूरा करने की कोशिश हमारी हमेशा रही है, आगे भी रहेगी। आप BJP से कब जुड़े? हमारा तो बचपन BJP, मेरे दादाजी थे BJP में जी, बचपन तक हमने जो भी वोट गेरी आज तक BJP की गेरी है, हमने तो इतना पता है, क्यों मेरे दादाजी के मित्र थे किशन सिंह सांगवान, उस टाइम पर
बढ़िया लाड था हमारा, जब के जुड़े उड़े काफ़ी साल हो गए। ये थे हमारे साथ मोनू पांचाल, बीजेपी से, जो अपनी टिकट के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। और इन्होंने बताया कि पार्टी अगर इन्हें यहाँ से मौका देती है तो निश्चित तौर पर बड़ी जीत यहाँ से पार्टी की ये करवाएंगे। पार्टी किसी और को मौका देती है तो तय दिल से ये उनका समर्थन करेंगे। अब ये तो समय ही बताएगा कि क्या कुछ आगे रहेगा। हरियाणा उत्सव के लिए देखते रहिए अनिल खत्री की खास रिपोर्ट।